खमा गणी सा जयमा गणी, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के पौने चार, मतलब कि 4:15 है, ठीक है। और मॉर्निंग का बता रही हूँ मैं ये, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ और अपनी बसंती में बैठी हूँ। अब आप लोग बोलेंगे सुबह सुबह ये क्या तरीका है, मतलब व्लॉग तो पता नहीं कब आउट होगा, बट तो अभी मतलब आज का जो हमारा प्लान है, आज हम लोग जाने वाले हैं बीकानेर मेरी कंडी माता के, उनके दर्शन करने के लिए। सडन मेरा मन हुआ और तो यहाँ से तो मैं और मेरे साथ है अनीता मैम और हमारी बेबू जी और शायद उनके ब्रदर हो सकते हैं। सो अभी अपन यहाँ से चलेंगे सीधा उनके घर पे। हालांकि वो लोग भी उठ गए होंगे, नहीं भी उठेंगे तो उठा देंगे, फिर वहाँ से अपन रवाना होंगे देशनोक के लिए। तो चलेंगे ना आप सभी मेरे साथ में? ओके। मतलब अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ, बिल्कुल गाड़ी में मैं अकेली। चलिए बन, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करके फिर बोलो करनी मात की जय। वेरी गुड। सो ओके, शर्मा करनी सीट बेल्ट, वेट। सो अभी मैं निकल चुकी हूँ घर से और अभी मैं जा रही हूँ उनके घर पे, अनीता मैम के घर पे, उन लोगों को फिर पिक करके फिर वहाँ से निकलेंगे अपन देशनोक के लिए। तो बने रहेगा मेरे साथ। और अभी भी यार मेरे को है ना थोड़ा से सुबह सुबह जैसे अंधेरा ही, यार अभी तो कोई उठा भी नहीं, तो कोई है नहीं, तो डेरी वाला आ गया अभी, उनका दूध सुबह जल्दी आ जाता है। अंकल जी मॉर्निंग वॉक पे निकल गए, देखो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग वॉक। सो चलिए मेरे साथ आप लोग भी। ताला खोल रहे हो अब? गेट खोल दो यार गरीब के लिए। हेलो देखो ये गेट ही नहीं खुल रहा है यहाँ पे सुबह 4 बजे बुला के, ऐसे गेट नहीं खुल रहा। चलो ये तो नहाए वैसे लग रहे हैं, आप नहा लिए लेकिन आप नहीं नहाए। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, कैसे हो? वीडियो कॉल ली ब्लॉग डाली आप? हाँ मैं डाली। आपकी तबीयत खराब हो रही है? हाँ। कितनी सार की? बहुत सार की। आप कैंसिल करोगे क्या? नहीं मैं डाली। ओम फो। हम लोग कितनी जल्दी तैयार हो गए थे, हम सब में से सबसे लेट क्या इन महारानी ने, क्योंकि हमारे आने के बाद ना क्या है। और अभी भी हमको ऐसे बोल रहे हैं जब करनी माता पूक जाए ना तब मेरे को जगा देना, मैं सो रही हूँ। नींद भी कोई चीज होती है भाई, 2 बजे सोती। चलो फिर सो जाओ, कोई बात नहीं। चला फिर करनी मात की जय। कम कर दी। जैसे वीडियो स्टार्ट करो और ये महारानी गाने चलाने में, आज तो बहुत क्यूट लग रहे हो। सुंदर सुंदर बन के आए हो। ये महारानी, हम लोग आ गए कालवाड़ तक और ये बालाजी का मंदिर है, यहाँ पे धोख देने गई थी बेबो जी वाला हम सभी। लेके आना। ये मतलब इनके सिस्टर है, ये हॉस्टल में रहते हैं यहाँ पे,
तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम उनको भी साथ में लेके जाएं। अब बिना बताए यहाँ पे हॉस्टल में आ तो गए, अब पता नहीं परमिशन देंगे नहीं देंगे जाने की, बट एक बार ये लोग पूछ के आ रहे हैं। और ये रही मैं, आप सबकी लाडली, और वैसे तो जोगनेर तक आ गए हैं और रात को भी खाना नहीं खाया था, मॉर्निंग में भी मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब है अभी, तो मॉर्निंग में अभी तक चाय भी नहीं पी है सुबह की, और बिना चाय पिए तो ऐसा होता ना यार। तो आगे देखते हैं कहीं पे चाय वाय का, और बस ये कि हाँ जल्दी सी देशनोक पहुँचे, मावड़ी के दर्शन करें। वैसे मंदिर में पहुँचने तक का मैं आप लोगों को दर्शन कराऊँगी, क्योंकि अगर पूरा मंदिर ही दिखा दिया तो जो लोग अभी तक देशनोक नहीं आए हैं, जिन्होंने अभी तक दर्शन नहीं किए हैं, उन लोगों का पूरा जो ऐसे होता है ना कि यार बीकानेर चलेंगे देशनोक देशनोक देशनोक, तो उनका वो पूरा, मेरे पास वर्ड नहीं आ रहा बोलने का, मुझे पता है मैं इंग्लिश में बोलूँगी तो वो गलत हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बोलूँ। तो आप चलते रहो मेरे साथ साथ बस, मतलब ऐसा मुझे भी ऐसा फील होता है कि आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं, और आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि मैं आप सबके साथ चल रही हूँ। कितनी नाटक करने लगी हूँ, हट पागल। तो बिल्ली जा रही, मियाऊ, भारतन, बावली, बिल्ली चिया कोई देख रही बनी। हम लोग ये सिमरन को लेने अंदर आ गए, परमिशन दिलवा दी इन्होंने, और अब हम लोग उसको लेके जाएंगे, अभी वो नहाने के लिए गई हुई है। ये आ गई महारानी नहा के, और ये बच्चियाँ हॉस्टल में रहती है। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये जो इनकी गुड़िया के बाल दिख रहे हैं ना दो चोटी, पहले मैं भी ऐसी चोटी बनाती थी लंबी लंबी, मेरी भी इतने लंबे बाल ही थे, और मैं भी फिर है ना इन्होंने कटवा दिए। अच्छा, हाय गुड मॉर्निंग। हम यहाँ से हम लोग यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं, अब प्लीज कहीं पे चाय के लिए रोक देना, क्योंकि सबको चाय पीनी है ना, तो चाय पियेंगे। हेलो सिमरन, आप चाय पीते हो? तो प्लीज चाय के लिए रोक देना। चाय पीबा तो यागा, सिमरन पहली पूछ रही भाई साहब चाय बना देगा ये चाय दूध सिर्फ ना के तो आई कौन ना गई कौन ना गई ने कोई ना गए हाँ अमेरिकन आज तो ये कितने प्यारे लग रहे हो कितने प्यारे लग रहे हो बोले मैं तो बचपन से ही हूँ और ये मैडम इनकी तबीयत खराब हो रही है यार आर यू ओके एब्सोल्युटली ओके मेरा भी वीडियो बना लो यार मैं ही बनाऊं सब सबके और ये देखना नवाब साहब गाड़ी से उतर चुके हैं ये चाय पीने के लिए जा रहे हैं कहां मेरे वीडियो कहां जा रहे हो आप मैंने जबरदस्ती बोला था मेरे वीडियो बनाओ मेरे कोई वीडियो नहीं बनाना आप कहां जा रहे हो चाय पीने के लिए सुबह से कुछ नहीं पिए सुबह रात को भी खाना नहीं खाया था सुबह भी चाय भी नहीं पी थी मम्मी ने उठ के चाय नहीं बनाई फिर इन्होंने भी चाय नहीं बना के दी और फिर यहाँ पे चाय पी रहे ठीक है गरम गरम मतलब कच्चो दूध चाय दूध बिन तो गरम चाय बन गई इन रखो देखो ये मोर कच्चो दूध कच्चो बिन गरम को बनना मतलब तू डाल ही देना यार सुन ना अपने ना तो नागौर आ गए हम लोग हंसी मजाक करते हुए सबसे ज्यादा कहां गए ये भाई हंसा हंसा के पागल कर देते हैं ये और इनकी तो यार बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है फिर भी ये ड्राइव कर रहे हैं और सोनिया लान चुपचाप बैठी है सोनिया सिमरन सॉरी सिमरन लान चुपचाप बैठी है सोनिया कौन सी वाली है फिर मामा वाली है सॉरी अच्छा हाँ सिमरन चुपचाप सिमरन तो हम लोग नागौर आ गए और नागौर में भी हम नाश्ता वास्ता करेंगे मेरी भी एसी से गला ऐसे हो गया तो अभी नाश्ता करते हैं आप लोग नाश्ता कर लिए होंगे अभी तक देखो सुबह के कितने बज रहे हैं मुकाई थोड़ी मर ला चालू बजे चलो 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 अच्छा बना देना छोट के सबको कौन खावा सुबह से भूखा मार दिया इतनी बार बोल दिया मेरे को खाना खाने लेकिन किसी ने मुझे खाना तक निकलाया बार बार बोला तब उन्होंने बोला कि आगे जाके अपन खाना खाएंगे आगे आने के बाद में जो तू खुआ देती नहीं मजाक कर रहा आई एम जस्ट किडिंग देखो शक्ल कैसी हो रही है आगे मेडिकल देखना कोई ठीक है मेरी भी तबीयत खराब
एक सामने मत दिखा अति पतली है मैं बैठ लगू तो सबको अपनी फिगर से कितनी प्रॉब्लम होती है। भैया नाश्ते में क्या है? तो अलग अलग मंगा लो। ये आप क्या खाओगे? पाव भाजी? इडली सांभर खा लेते। सुनो पर आप क्या खाओगे? अरे कुछ भी बताओ। पराठे, एक पराठा, दो पोए, एक पाव भाजी, दो पराठा, सॉरी एक पराठा, दो पोए और एक पाव भाजी। मारामू कौन कौन लो? ठीक है ठीक। भैया दही है क्या आपके पास? अच्छा मतलब साफ दही है क्या? बीमार। दही के अंदर थोड़ी सी चीनी डाल के ला दोगे क्या एक कटोरी में? थैंक यू भैया। बीमार बीमार बीमार, मेरे को और बीमार कर दिया। आधा खाना खा चुके हैं, मेरे को बीच में याद आया व्लॉग कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर चुके हैं हम लोग, अब यहाँ से सीधा देशनोक के लिए। मैं गाड़ी में हूँ अभी, ड्राइव करने का नंबर मेरा है और अब सीधा गाड़ी देशनोक की रुकेगी। सो अब मिलते हैं अपन सीधा देशनोक, कंडी माता के दरबार। प्रसाद है हमारे लिए, तो प्रसाद पता नहीं, मेरा ऐसा लगा कि मैं जब भी आती हूँ तो मुझे ज़रूर प्रसाद मिल जाता है। अभी भी मैं यहाँ मंदिर में ही हूँ और राजेंद्र बना मुझे यहाँ मिले और रसोड़े में हमने भोग वगैरह लिया, फोटोशूट हुआ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच बना। और ये ब्लॉग आएगा सो आप ज़रूर देखिएगा और आप भी आप बता सकते हैं आपका जो भी चैनल है या फिर जो भी आईडी है। इंस्टाग्राम चैनल है और आप सभी भी प्लीज। सो थैंक यू। ये है काबे, इन्हें काबा कहा जाता है। तो अभी देखो मतलब कितना प्यार से ये एक तरीके से प्रसाद ले रहे हैं, मतलब सब जगह यहाँ यही मिलेंगे। अभी तो हालांकि इनकी संख्या पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, बट जो कुछ भी है वो सब यही है और भी बहुत कुछ। तो अच्छे से दर्शन हो गए, प्रसादी अपन ने ले ली और अंदर जाके भी दर्शन कर लिए और वहाँ का जो मेन माँ के मंदिर का जो टीका होता है वो भी अपन ने ले लिया। सो
वो दिखा रहे हैं आपको। अब यहाँ से अपन लोग जाने वाले नेड़ी जी के। ऐसा कहा जाता है कि अगर वहाँ के दर्शन नहीं करते हैं तो यहाँ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो अभी अपन चलेंगे नेड़ी जी के, और नेड़ी जी के दर्शन करने के बाद अपन रवाना हो जाएंगे जयपुर के लिए। यह है माँ का मंदिर, वहाँ माँ अंदर बसते हैं, और यहाँ जो सुकून और शांति मिलती है आई थिंक वो कहीं और नहीं मिलने वाली। तो कभी आएँ जयपुर जो बाहर से हैं तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर आके जाए। बीकानेर में है देशनोक करणी माता का मंदिर। तो अभी हम लोग नेड़ी जी के आ चुके हैं, और गर्मी ने कर रखी हालत बहुत ख़राब। काले कल उठ गया भगवान ने, जरा वैसे दिखेंगे। तो हम नेड़ी जी के दर्शन करेंगे, और नेड़ी जी के दर्शन करने के बाद में फिर हम जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने प्लान तो किया था कि खुड़द मतलब इंद्रबाई सा के भी जाके आए, लेकिन हम सभी का प्लान बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि सिर्फ गर्मी ने हमको परेशान कर रखा है। और गर्मी की वजह से हम, और इनकी तबीयत भी खराब हो रही है, ये ज़्यादा नाटक कर रहे हैं, बोल रहे नहीं घर चलेंगे घर चलेंगे। मैं चला ठीक है, और सिमरन को हॉस्टल छोड़ना है फिर से हमें, तो हम लोग चलते हैं। बाय बाय डैडा, सी यू, टेक केयर। मतलब मंदिर ये नेड़ी जी का मंदिर है। मेरे अधिकतर वीडियोस यहीं के होते हैं, हम लोग अंदर से जाके दर्शन करके आ चुके हैं, और मतलब सेम वही मंदिर है, बस यहाँ पे एक वृक्ष लगा है जो कि अभी मतलब कुछ टाइम पहले सूखने की तादाद पे था, और अभी तो मतलब ठीक है। तो करणी जी के मंदिर के तरह ये मंदिर है, तो जब भी आप लोग कभी यहाँ विजिट करें तो करणी माँ के मंदिर में, तो यहाँ भी ज़रूर पधारें आप सभी। धन्यवाद।
नेड़ी जी के दर्शन कर चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा आनंद भी ले लिया, उसमें मेरे लग भी गई थोड़ी बहुत। तो अब हम लोग जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं, तो अब यहाँ से सीधा जयपुर जाएंगे। यार रुक जाओ यार एक बार, तो आप लोगों ने ऑब्वियसली आप लास्ट तक देख रहे लड़ी, अब तो कौन वीडियो एक बार रुक जाओ यार, वीडियो कैंसिल रुक जाओ। तो रुक जाओ ना यार। तो नेड़ी जी के दर्शन कर चुके हैं और वहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोगों ने मस्ती भी कर ली। अनीता मैम हमारे साथ में आए थे इसलिए हम लोगों ने इंजॉय कर लिया बहुत अच्छे से, और इसी थोड़े बहुत मस्ती बिता के चक्कर में मेरी थोड़ी सी लग भी गई। और अब लोग हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं जयपुर, क्योंकि गर्मी। तो आप लोग मतलब आखिरी तक देख रहे तो ऑब्वियसली आप लोगों ने ब्लॉग पूरा देखा होगा, तो आप लोग आइए करनी माता के दर्शन कीजिए। और मतलब अच्छा लगता है, शांति सुकून वाली जगह है ये। तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने पूरा ब्लॉग देखा, और बताइए आप लोगों को कैसा लगा। बैक टू बैक में ब्लॉग बनाती रहूंगी। बाकी सुख देणो दुख मेटणो मरी माँ करणी रो नाम चरण सहनते चारणी थाने पुण्य पुण्य करू प्रणाम अगर कहीं किणो सा जय माँ करी बाय।